हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मंथन और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लम्बिंग टिप्स, जहाँ पे मैं आपको दूंगा टिप्स रिलेटेड टू प्लम्बिंग। सो आज का हमारा टॉपिक है आपका जो पुराना UPVC वाल लगा हो और बाय चांस वो ऊपर का हैंडल उसका टूट गया और उसको आप कैसे इजीली चेंज कर सकते हो। रेगुलरली क्या रहता है कि जो भी UPVC वाल आता है वो आप अगर बाहर धूप में लगाओगे तो उसका ऊपर का जो प्लास्टिक का हैंडल होगा वो टूट जाने की ऑलवेज कंप्लेन आती है। सो इसको आज हम परमानेंट उसका सॉल्यूशन कैसे ला सकते हैं, तो उसको आप इजीली चेंज कर सकते हो ब्रास के वाल में। सो यहाँ पे जो अभी हम काट रहे हैं वो UPVC वाल है और उसके नीचे ही सेम ब्रास का वाल लगा है। सो ऐसे ही मैकेनिज्म हम ऊपर की साइड करने वाले हैं। सो आप देख सकते हो वीडियो में हमने वाल का एक साइड का पॉइंट काट दिया है, पाइप जो भी लगी थी, और दूसरी साइड हम उसका ब्रास मेल से आगे कनेक्ट किया। आगे की लाइन गैल्वेनाइज है और यहाँ की लाइन UPVC प्लास्टिक की है। सो वहाँ से हम ओपन कर रहे हैं। सो आप देख सकते हो हमने मेल को खोल दिया है, मेल के आगे उसकी गैल्वेनाइज कपलिंग थी आधे की, वो भी खुल गई है। तो ये आधे का UPVC वाल है। और ये आप वीडियो में देख सकते हो वो ब्रास का हैंडल वाल है, टोटली ब्रास मेड। उसका जो हैंडल है वो भी टोटली ब्रास मेड है और एंटीका कंपनी का आता है। मार्केट रेट अराउंड 160 to 220 तक में उसका अलग अलग दो टाइप के आते हैं, हैवी और मीडियम, तो वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी के आते हैं ऐसे हैंडल वाल। सो हमने दोनों साइड ब्रास मेल लगा दिया है। एक अभी पहले तो एक क्वेश्चन आता है हर बार कि लोग पीवीसी थ्रेड वाले मेल लगाते हैं, पर उसमें टूट जाने के चांसेस रहते हैं, तो उसके लिए ज़्यादातर हो सके तो ब्रास मेल, दोनों साइड ब्रास थ्रेड वाले ही मेल यूज़ करना चाहिए। सो यहाँ पे हम गैल्वेनाइज का आगे का जो यूनियन का पार्ट है वो खोल रहे हैं और वहाँ वो यूनियन खोलने का एक ही रीज़न है कि वहाँ से वो एक बार यूनियन खुल जाए तो आगे का यहाँ पे जो अपने UPVC पार्ट जो हमने काटा है तो वो इजीली आप उसको एडजस्टेबल करके पूरा सेट कर सकते हो। तो इजी टूल्स जो आप देख सकते हो उसका पोपट पकड़ है या वांद्री पाना है, तो वह सबसे आप ये काम बिना प्लम्बर को बुलाए भी आप कर सकते हो। मैंने इतनी सिंपल टेक्निक यहाँ पे आपको दिखाई है, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सो ये सॉल्यूशन, और दोनों साइड आप देख सकते हो कि हमने ऊपर टेप्लॉन टेप लगा के वो मेल, उसका मेल दोनों साइड मेल लगा दिया है और पाइप में पहले सॉल्यूशन लगा दिया और मेल में भी सॉल्यूशन लगा के उसको सेट कर दिया है अंदर। और अभी आगे का जो पोर्शन बाकी है तो वो एग्जिट उसको सेट करके काटने की ट्राई कर रहे हैं। अभी जस्ट मैं वो अभी मेल वाला पार्ट निकाल रहा हूँ क्योंकि आगे जो भी अपने UPVC पाइप वगैरह लगने का है तो एक बार वो सेट हो जाए उसके बाद हम यहाँ पे UPVC मेल जो भी है वो लगाएंगे। सो यहाँ पे मैं टेप्लॉन टेप लगा रहा हूँ निपल के ऊपर। वो लगाने का रीज़न इसलिए कि अगर इन फ्यूचर आपको कोई भी रीज़न से उसको खोलना है तो अगर आपने टेप्लॉन टेप ठीक से लगाई होगी तो वो ईजिली खुल जाएगा। तो ठीक से आप उसको लपेट के उसको टेप्लॉन टेप लगाना चाहिए उसके थ्रेड के ऊपर, तो थ्रेड भी नहीं बिगड़ेगा और इजीली खुल भी जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कपलिंग फिट कर दी है
यहाँ पे हमने पूरा सेट कर दिया है, बस अभी हमको जो यूपीसी पाइप जो है थोड़ी सी ज़्यादा, सो वो काट के उसको सेट करने का है, बस दैट्स इट। उससे ज़्यादा अपने को कुछ काम बाकी नहीं है। सो इसमें थोड़ी सी पाइप ज़्यादा लग रही है, उसके लिए हम उसको काट रहे हैं, आधे इंच जितनी ही ज़्यादा है, फिर एकदम परफेक्शन लाने के लिए हम उसको काट रहे हैं। जिसे हम काट रहे हैं उसको एक्सो ब्लेड बोलते हैं, जो कटर पट्टी यूज़ हमने की है उसको एक्सो ब्लेड बोलते हैं। ये डबल साइड की आती है और मार्केट में 10 रुपये में इजीली मिल जाती है। और जो ब्रास मेल लगे हैं उसकी प्राइस अराउंड 80 to 100 रुपीज़ के बीच में रहती है, और टेफ्लॉन टैप तो 10 या 20 रुपये की आ जाती है। सो ईज़िली 200-300 रुपये में आप ये सिंपल काम कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो, हमने यूनियन में वो एडजस्ट कर दिया है। अभी जस्ट उसको हम उसका ऊपर का जो भी थ्रेड लगा है वो खोल के यूनियन को सेट करने का है, बस दैट्स इट। सो यहाँ पे मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है गाइस। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरी चैनल को। मैं ऐसे ही वीडियो डालता रहता हूँ अलग अलग प्लम्बिंग के रिलेटेड। सो आप देख सकते हो इजीली विद इन 10 मिनट्स अपने यूपीवीसी पाइप में से ब्रास हैंडल वाल कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मैंने आपको सिंपल दिखाया है। थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।